बच्ची की आंख से निकल रही है रुई, डॉक्टर समझ नहीं पाए। पिता झाड़ फूड में लगे हैं। कोटमार जनपद के ग्राम गम क्रोधक के पथपुरा गांव में 11 साल की मानसी की आंख से पिछले 15 दिनों से रुई निकल रही है। मानसी के पिता गेंदलाल इसे भूत प्रेत का साया समझकर उसकी झाड़ फूक कराने में जुट गए हैं। गाँव वाले भी इसे देविया प्रकोप या भूत प्रेत का साया समझकर उसके घर से दूरी बनाकर रख रहे हैं। इस बारे में जब नई दुनिया विशेषज्ञों से बात की तो पता चला कि स्प्रिंग कांटर या डिटॉक स्पॉट बीमारी के कारण ऐसा होता है। 25 अगस्त से मानसी की आंखों से रुई और धागे निकलने शुरू हो गए हैं। मानसी के पिता किसान है, पैसे की कमी होने के कारण उन्होंने अभी तक मानसी को किसी नेत्रयोग डॉक्टर को नहीं दिखाया है। गाँव के डॉक्टर के लिए यह पहला केस था और यह केस गाँव के डॉक्टरों की समझ से बाहर है। मेडिकल कॉलेज जबलपुर की टीम और नेत्ररोग विशेषज्ञ डॉक्टर नवनीत सक्सेना का कहना है कि ऐसी बीमारी एलर्जी के कारण होती है। इसमें आंख से सफेद धागे या रुई जैसा निकलता है और 17 या 18 साल की उम्र तक हार्मोनल बदलाव होने के बाद यह ठीक हो जाती है और मेडिकल कॉलेज में इसका इलाज संभव है। डॉक्टर पवन स्थापक का कहना है कि यह विटामिन ए की कमी से होती है। इसमें आंखों के बाहरी ओर से सफेद धागे या रुई निकलती है और यह रुई जैसा दिखता है। मानसी के पिता ने कहा कि मैंने ये बीमारी पहली बार देखी है और सुना है और कहा कि मेरी बेटी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। ये थी SNS रिपोर्ट।